नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है एचआरआई न्यूज़ पर। एक बड़ी खबर इस समय के दोस्तों निकल के आ रही है, यूपी के बीजेपी सांसद का सत्ता का नशा उतरा। अल्मोड़ा में पुरोहितों से अभद्रता करने पर दर्ज हो गई एफआईआर। बीजेपी की मुश्किलें बढ़ी हैं, उत्तराखंड सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार आमने सामने। उत्तर प्रदेश के अम्बाला से बीजेपी सांसद धर्मेंद्र कश्यप विवादों में हैं। उनके और उनके मित्रों पर उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। दरअसल धर्मेंद्र कश्यप ने अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम में अभद्रता की, जिसका वीडियो वायरल हो गया। विरोध में कुमायूं भर में विरोध प्रदर्शन हुआ और मामले ने तूल पकड़ लिया। इसके बाद मंदिर समिति प्रबंधक ने आरोपी सांसद के खिलाफ राजस्व पुलिस चौकी में एफआईआर दर्ज करा ली है। एक बार फिर से उत्तराखंड सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार आमने सामने दिख रही हैं। बीजेपी सांसद पर आरोप है कि उन्होंने मंदिर में घुसकर गालियां दी हैं, अभद्रता की है पुजारियों के साथ, इसीलिए लोग वहां पर भड़क गए और सांसद को वहां से खदेड़ दिया। और बाद में जब इस मामले ने खूब तूल पकड़ लिया, तब उत्तराखंड सरकार ने सांसद के खिलाफ, जो कि उत्तर प्रदेश से संबंध रखते हैं, एफआईआर दर्ज करवा दी। देख सकते हैं दोस्तों, बीजेपी शासित राज्य अब आपस में ही लड़ना शुरू कर चुके हैं, चाहे असम और मिजोरम का मामला हो या फिर यूपी और उत्तराखंड का। खबर को लेकर दोस्तों आपकी क्या कुछ राय है आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।